बॉलीवुड की कुछ खास खबरों पर डाल रहे नजर। शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह ने एक हफ्ते से भी कम समय में इतनी कमाई कर ली है जितनी केसरी और गली बॉय जैसी फिल्में एक हफ्ते में भी ना कर सकी। जी हाँ, शाहिद कपूर की फिल्म ने 6 दिनों में 120 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और अपने आप को ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में शामिल कर लिया। एक्टर अर्जुन कपूर के बर्थडे पर मलाइका अरोड़ा ने उनके साथ इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर किया जिसके बाद लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल किया। ट्रोलिंग की वजह थी मलाइका का उम्र में बड़ा होना। जी हाँ, किसी ने उन्हें उनकी माँ कहा तो किसी ने उनकी तस्वीरों का मजाक उड़ाया। वैसे ये पहली बार नहीं जब उम्र की वजह से बॉलीवुड कपल्स का इसी तरह मजाक बना हो। इसके पहले प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस भी इसी तरह की ट्रोलिंग से गुजर चुके हैं। कुछ ही फिल्में कर अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों को दीवाना बनाने वाले एक्टर विक्की कौशल अब फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का किरदार निभाते नजर आएंगे। जी हाँ, मेघना गुलजार इस फिल्म को डायरेक्ट करेगी और इसे प्रोड्यूस रॉनी स्क्रूवाला करेगी। करण जौहर की फिल्म दोस्ताना के सीक्वल दोस्ताना 2 की स्टार कास्ट डिसाइड हो चुकी है। फिल्म में कार्तिक आर्यन के अपोजिट जानवी कपूर नजर आएगी। अभी तक फिल्म के थर्ड एक्टर का डिसीजन नहीं लिया गया है। वैसे आपको बता दें, फिल्म में एज ए डायरेक्टर कॉलिन डी कुन्हा डेब्यू करेंगे। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच 2 साल पहले फ्लाइट में जो विवाद हुआ था उसके बाद सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा शो छोड़ दिया था, लेकिन अब खबर है कि शो के प्रोड्यूसर सलमान खान ने दोनों के बीच सुलह करवा दी है और जल्द ही सुनील ग्रोवर शो में वापसी कर सकते हैं।